फरवरी को किसानों के दिल्ली चलो की कॉल के बाद अब अंबाला पुलिस भी पूरी तरह से कमर कसे हुए हैं हम इस समय खड़े हैं अंबाला के शंभू बॉर्डर के ऊपर और आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि बड़ी भारी मात्रा के अंदर यहाँ पर सीमेंटेड जो बैरीगेट्स हैं उनको यहाँ पर खड़ा किया गया है ताकि इन बैरीगेट्स को सड़क के ऊपर लगा दिया जाए ताकि किसान किसी भी तरीके से बॉर्डर को ना पार कर पाए क्योंकि पुलिस नहीं चाहती कि कहीं पर भी वो स्थिति दोबारा उत्पन्न हो जो पिछली बार किसान आंदोलन के दौरान हुई थी और ये आप देख सकते हैं जिस तरफ आपकी नज़र जाएगी उस तरफ बैरीगेट्स ही बैरिकेड्स नजर आएंगे इसके अलावा हम आपको बता दें कि ये एक कमरा है यहां पर जिसके ऊपर जो बोरियां है आ, रेत से भरी हुई बोरियां हैं ये रखी जाएंगी यहाँ पर इनके ठीक पीछे पुलिस मुलाजम जो है वो तैनात होंगे इसके अलावा जो लाल रंग का आप एक गुब्बारा नुमा चीज़ देख रहे हैं ये हवा का रुख देखने के लिए है क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ था कि जब पुलिस ने स्मोक फायर किया तो हवा का जो रुख है वो पुलिस की तरफ ही था जिसके कारण पुलिस को काफ़ी परेशानी का जो है वो सामना करना पड़ा था लेकिन इस बार ऐसी गलती ना हो लिहाजा पहले से ही पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और तो इस और मैं आपको दिखाने चाहूँगा कि यहाँ पर भी लोहे के जो बैरीगेट्स हैं उसकी भरमार यहाँ पर लगा दी गई है आप ये देख सकते हैं अम्बाला पुलिस के ये बैरीगेट्स हैं यहाँ पर लिखा गया है ये अम्बाला पुलिस के सारे बैरीगेट्स हैं जिन्हें यहाँ पर रखा गया है इसके अलावा पुलिस नहीं चाहती कि पिछली बार जिस तरीके से ट्रैक्टर्स जो हैं तो वो सड़क पार करके पुलिस मुलाजमों को पीछे हटाते हुए धकेलते हुए निकल गए थे इस बार ऐसा हो लिहाजा ये आप देख सकते हैं ये लोहे के काफ़ी ख़तरनाक शिकंजे जो हैं वो बनवाए गए हैं कितने नुकीले शिकंजे हैं इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये इतने नुकीले शिकंजे हैं कि अगर इसके ऊपर कोई भी टायर जाएगा तो वो एक सेकंड के अंदर फट जाएगा और इन शिकंजों के अंदर बड़ी बात ये ये आप देख सकते हैं ये लोहे की पत्ती के सहारे इस तरीके से इसे बनाया गया है कि इन्हें नट बोल्ट के माध्यम से सड़क पर फिक्स कर दिया जाएगा लिहाजा अगर कोई भी वाहन यहां से गुजरने की कोशिश करेगा तो वो निकल नहीं पाएगा टायर जो है वो फट जाएंगे ये पुख्ता इंतजाम है पुलिस के जो इस बार अंबाला पुलिस ने किए हैं क्योंकि पुलिस ने जो कुछ भी पिछली बार देखा जो कुछ भी पिछली बार पुलिस ने एक्सपीरियंस किया वो पुलिस नहीं चाहती कि इस बार भी दोबारा से एक्सपीरियंस हो इस तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कंटीली तारों की भरमार है यहाँ पर इन्हें भी सड़क के ऊपर लगाया जाएगा ये वो कंटीली तारे हैं जिनको सड़क के ऊपर लगाया जाएगा ताकि कोई भी सड़क ना टाक जो है टाप पाए क्योंकि ये इतनी तीखे हैं अक्सर ऐसी तारें जो है वो आपने एयरफोर्स स्टेशन की दीवारों के ऊपर देखी होंगी क्योंकि जहाँ से भी ये ब्लेड आपके शरीर को छू गया वहीं पर जो है खून बह जाएगा लिहाजा काफ़ी बड़ी संख्या में ये कंटीली तारें भी जो हैं वो यहाँ पर रखी गई हैं बावजूद इसके तेरह फरवरी को किसान किस तरीके से इस बार पुलिस की इस सारे इंतज़ामों को जो है फेल करने की कोशिश करेंगे ये देखने वाली बात होगी क्योंकि पुलिस ने काफ़ी पुख्ता इंतजाम किए हैं साथ, साथ पुलिस दावा भी कर रही है कि किसी भी सूरत में किसानों को दिल्ली की ओर नहीं जाने दिया जाएगा क्योंकि किसानों के पास दिल्ली में धरना प्रदर्शन की कोई इजाज़त नहीं है और बिना इजाज़त के अगर कोई धरना प्रदर्शन करता है तो वो गैर कानूनी है लेकिन फ़िलहाल किसान पुलिस की इस सारी तैयारियों को किस तरीके से फेल करेंगे ये भी देखने वाली बात होगी देखना होगा कि 13 फरवरी को किसानों का ये आंदोलन कामयाब भी हो पाएगा या नहीं आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए और अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से हमारी ऐप अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ ज़रूर डाउनलोड कीजिए